हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आपने देखा होगा कि इस वीडियो में मैंने लिप्स ड्रॉ किया है। ट्यूटोरियल्स आपने देखा होगा, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स बाय लिप्स। लिप्स का है मतलब लिप्स कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाया जाए करीब। ये एकदम काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बना है। इसको बनाने के लिए हमको ग्रेफाइट पेंसिल का यूज किए हैं। ग्रेफाइट पेंसिल के अलावा इसमें ब्लेंडिंग ब्रश का यूज किया गया है और एक सकुरा का जेल पेन आता है, व्हाइट जेल पेन। यहाँ पे जो हाईलाइट एरिया होता है, जैसे कि कहने का मतलब ये वाला व्हाइट वाला जो एरिया हो गया इस तरीका से, उस तरीका से लिप्स में जो हाईलाइट एरिया है, जो चमकने वाला एरिया है, वहाँ पे हम सकुरा का जेल पेन का यूज किया है। तो सकुरा का जेल पेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है स्केचिंग बनाने के लिए, काफ़ी हाईलाइट को ड्रॉ करने के लिए। अगर आप लोगों को चाहिए तो अमेजोन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप लोग खरीद सकते हो। यहाँ पे अमेजोन का लिंक दिए हैं, वहाँ से भी आप लोग ले सकते हो। वहाँ पे भी प्रोवाइड है, फ्लिपकार्ट पे भी प्रोवाइड है, कहीं से भी जाके खरीद सकते हो। इसे बनाने में हमको कभी करीब 2 घंटा से ज़्यादा टाइम लगा है, और इसे एक लिप्स को बनाने में 2 घंटा से ज़्यादा टाइम लगा है। आप लोग सोचते हो कि बैट एक लिप्स बनाए 2 घंटा में, ये कैसा आर्टिस्ट बना है, एकदम जल्दी बन जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जितना ज़्यादा डिटेल बनाओगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना बड़ा बनाओगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। डिटेलिंग से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप सब यहाँ से सीखना चाहते हो कि स्टेप बाय स्टेप आप सब वीडियो को देखिए, यहाँ से आप सबको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा कैसे इसे ड्रॉ किया गया है। ओके, चलिए वीडियो को बनाते हुए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ से हम लोग सबसे पहले आउटलाइन ड्रॉ करेंगे, जो लिप्स का स्ट्रक्चर होता है उसको ड्रॉ करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर दिया बीच वाला एरिया जिसमें टीथ बना होना, उसके बाद ऊपर वाला एरिया का ड्रॉ कर दिए, उसको सही से मेजरमेंट कर दिए, जहाँ पे रंग था उसको इरेज करके अच्छे से कर दिए, उसके बाद नीचे वाला पोर्शन कर दिए। अब इसे फुली तरीका से 3B पेंसिल से ड्रॉ कर देंगे। कहने का मतलब 3B से पूरी तरीका से फुली इसको सेट कर देंगे, हल्का हल्का चारों तरफ से करेंगे। ऐसा स्मूथली पेंसिल चलाना है, जैसे कि लगे कि हाँ पेंसिल नहीं चला रहे, एकदम कहीं पर हल्का हल्का रफ कर रहे हैं, उसी तरीका से पेंसिल चलाना है। नीचे वाला पोर्शन भी हो गया और ऊपर वाला पोर्शन भी इस तरीका से कंप्लीट कर देंगे। अगर इस तरीका से कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ब्लेंडिंग ब्रश, कोई भी ये ब्लेंडिंग ब्रश से लेके इसको ब्लेंड कर देंगे, ना कि कोई पॉइंटेड से, ना कि कोई टिश्यू पेपर, ना ही कोई पेपर से करेंगे, ना ही हाथ से करेंगे, इसे सिर्फ ब्लेंडिंग ब्रश के माध्यम से अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे स्लोली स्लोली कर रहे हैं, जैसे करने के बाद ये पूरी तरीका से मिक्स हो गया। जैसे ये मिक्स हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट एरिया को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखो हल्का हल्का मिक्स हो गया, मतलब पूरी पता नहीं चल पा रहा है कहाँ पे पेंसिल है, कहाँ पे क्या है। अब देखो बीच वाला जो एरिया बचा था, वहाँ पर हम टीथ ड्रॉ कर देते हैं, जो कि यहाँ पर करीब 6 या 7 दांत बन रहा है, दांत वाला एरिया को ड्रॉ कर देते हैं ऊपर से भी। और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया था, लाइट इशू था, लाइट कट गया था हम लोग के एरिया में, इसीलिए यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करना पड़ा हमको। अब चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब जो हाईलाइट एरिया था उसको हम लोग यहाँ पे इरेज कर देते हैं पतला इरेजर से, जैसे कोई भी इरेजर को काट के नोखीला बना देंगे, नोखीला बना के यहाँ पे इरेज कर सकते हैं। अगर ये पूरी तरीका से इरेज हो जाता है, उसके बाद से यहाँ पर 7B पेंसिल का यूज करेंगे। इसमें 7B पेंसिल एकदम नोखीला करेंगे, एकदम नोखीला करने के बाद इसके डार्क पोर्शन को करेंगे। कहने का मतलब जो लाइटिंग एरिया है उसको छोड़ के उसके साइड साइड में इसमें डार्क करेंगे, उसको मतलब पता चलना चाहिए कि अंदर यहाँ पे वाइट है, वाइट वाला एरिया को छोड़ के बाहर में करेंगे, जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं, ना कि बाहर वाला पूरा करना है, पूरा नहीं करना है, जहाँ जहाँ लाइटिंग एरिया है बस वहीं पे बगल में करना है। इतना करने के बाद इसे ब्लेंड कर देना है जैसे पहले किए थे। ये जो ब्लेंड होगा तब पूरा हो जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा ना, तो फिर जो लाइटिंग एरिया था उसको लाइट करेंगे, मतलब उसे मिटा देंगे। मिटाने के बाद, इसलिए कि पहले बार जो हम लोगों ने किया था तो उसके बाद फिर इरेज करके लाइटिंग एरिया कर दिए थे, सेकंड टाइम में भी किए तो करना पड़ेगा, इसलिए ब्लेंडिंग किए तो पूरी तरीके से फैल गया था। अब यहाँ पर हम 10B का यूज करेंगे। 10B पेंसिल का यूज करके जैसे 7B यूज कर रहे थे, वैसे ही 10B का यूज करेंगे। और जहाँ जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क एरिया करेंगे, इसी से हल्का हल्का शेडिंग भी होगा, इसी बीच बीच में 10B से शेडिंग भी करेंगे। अब ये हो गया पूरी तरीका से, फिर इसे ब्लेंड कर देंगे। पूरी तरीका से ब्लेंड कर दिए, अब फिर अभी उसमें हाईलाइट बाकी है, तो उसके पहले हम लोग टीथ वाला ड्रॉ कर लेते हैं।
यहाँ पे HB पेंसिल से टीथ को हल्का हल्का लाइटिंग एरिया को सिर्फ ब्लेंडिंग करके यहाँ पे ब्लेंड करके लाइटिंग एरिया को वैसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे इरेजर के माध्यम से लाइटिंग एरिया को लाइट करेंगे। अब यहाँ पे फिर 10B का यूज करेंगे। 10B का यूज करके जो बीच वाला पार्ट है, जैसे पता चल रहा है कि हाँ ये फर्स्ट वाला दांत है, ये सेकेंड वाला है, ये थर्ड वाला, उसको करेंगे। अगर ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम लोग नीचे वाला लिप्स को ड्रॉ करेंगे। जैसे कि इस तरीका से ये कंप्लीट हो गया। अब देखो ऊपर वाला हाईलाइट बचा हुआ था, तो ऊपर वाला जो ये लिप्स हो गया उसमें हाईलाइट एरिया को इरेज करेंगे। मतलब कि एक लिप्स को, ऊपर वाले लिप्स को बनाने में 3 बार इरेजर का यूज किया गया है, 3 बार हाईलाइट एरिया को हम लोग इरेज किए हैं। देखो अब नीचे वाला पोर्शन में भी वही काम करेंगे जैसे ऊपर वाला में कर रहे थे, वैसे ही नीचे वाला में करेंगे। जैसे कि 7B पेंसिल का यूज हम लोग कर रहे हैं, 7B पेंसिल का यूज करने के बाद यहाँ पे चारों तरफ से डार्क एरिया को डार्क और लाइट एरिया को वैसे ही छोड़ देंगे। लाइट एरिया में अगर हम पेंसिल चला दिए तो इसे ब्लेंड करने के बाद उसे हम इरेज नहीं कर पाएंगे, ओके। इसलिए कि लाइट एरिया में इरेज नहीं करेंगे, यहाँ पे ब्लेंडिंग ब्रश से मिक्स करेंगे तो वहाँ तक तो चला जाएगा, जो लाइट एरिया है वो भी कवर हो जाएगा, लेकिन उसे इरेज करेंगे तो इरेज हो जाएगा। जहाँ पे पेंसिल एक बार चला दिए उसको ब्लेंडिंग कर दिए तो उसको इरेज नहीं कर पाएंगे, काफ़ी मुश्किल होगा इरेज करने में, ओके। अब देखिए यहाँ पे 10B का यूज करके हम लोग ये पूरी तरीका से ये ड्रॉ, जैसे 7B का यूज किए थे वैसे ही 10B का यूज करके चारों तरफ से हाईलाइट एरिया को हाईलाइट कर दिए, डार्क एरिया को डार्क कर दिए। देखिए 10B का यूज किए हैं यहाँ पे, डार्क एरिया को नीचे से पूरी तरीका से डार्क है, नीचे से पूरी तरीका से डार्क कर दिए। अब यहाँ पे इसको ब्लेंड कर दिए। जब ये ब्लेंडिंग पूरा हो जाता है तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाइटिंग करेंगे, जो कि इरेजर के माध्यम से जो जो लाइट एरिया था उसको यहाँ पे इरेज कर देंगे। इरेज कर दिए। अब यहाँ पर जो ये वाला बीच वाला बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा गैप होने के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम लोग क्या कि यहाँ पे HB पेंसिल का यूज करके इसका हाफ हाफ पोर्शन को हम लोग पेंसिल का यूज करके यहाँ पे मिक्स कर दिए। अब यहाँ पर फिर 10B पेंसिल का यूज करके यहाँ पे क्या चारों तरफ से सेट कर दिए। अब ये जो बाहर वाला एरिया हम लोगों का था उसको इरेज कर दिए, जो कि पेंसिल का दाग लगा हुआ था, चारों तरफ से अच्छे से इरेज कर दिए, इसलिए क्लियर पता चलेगा, साफ दिखाई देगा हम लोग का यहाँ पे जो लिप्स बनाए हैं। अब देखो यहाँ पे सकुरा का जेल पेन का यूज किए हैं, जो जो लाइटिंग एरिया है वहाँ पे सकुरा का जेल पेन यूज हुआ है, वहाँ से लाइटिंग एरिया को लाइट करेंगे। और ये इसमें ऊपर वाला में कर दिए, अब नीचे वाला में जो भी लाइट एरिया है उसको लाइट करेंगे। आई होप कि आप सबको यहाँ तक समझ में आया कि सकुरा का जेल पेन का हम लोग कहाँ यूज करते हैं। अगर सकुरा का जेल पेन आप लोगों को चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग अमेजोन पे जाके परचेस खरीद कर सकते हो। करीब 60 से 70 रुपया में आराम से मिल जाता है। ये काफ़ी रियलिस्टिक लिप्स बना हुआ है। आई होप कि यहाँ तक आप सबको समझ में आए। ऐसे ही हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।